हेलो एवरीवन, दिस इज ए क्लैरिटी कंपनी स्पायरोटेक मशीन, ठीक है। एंड दिस वन इज कनेक्ट बाय डिस्पोजेबल माउथपीस दिस साइड, ठीक है। अब हम इसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। इसको हमने पहले सबसे पहले यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप के साथ, ठीक है सर। एंड दिस इज ए सॉफ्टवेयर स्पायरोटेक, हम इसको ओपन करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू, हमने क्या करना है, न्यू पेशेंट पे जाके पेशेंट एंट्री करनी है। हम पेशेंट आईडी डाल देंगे, सपोज 110, कोई भी एक आईडी आप डाल सकते हैं इसमें, पेशेंट नेम डाल सकते हैं। उसके बाद में आप एज वगैरह, इसमें कंपलसरी है एज, हाइट, वेट, सब कुछ। अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं पता तो फिट में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में मेल फीमेल आप कर सकते हैं। स्मोकर में अगर कोई स्मोकर है तो यस, अगर कोई एक्स स्मोकर है तो एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में आप जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये पूरा डिटेल शो करेगा आपको। सब कुछ ओके लग रहा है तो फिर, जैसे नाम आ गया, एज वगैरह, अगर सब कुछ ओके लग रहा है तो फिर आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसके बाद में हमारे पास जो है टेस्ट खुल जाएंगे, एफबीसी टेस्ट। ये है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसमें अलग अलग तीन टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एसवीसी, एमबीबी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम करेंगे एफवीसी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या करना होता है हमें, जैसे हम स्टार्ट टेस्ट करते हैं तो दो मोड होते हैं इसमें, प्री और पोस्ट। तो हमने फर्स्टली प्री मोड करते हैं और पोस्ट मोड करते हैं हम आफ्टर मेडिकेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जैसे ही प्री, जब हमने ओके करना है तो हमने सबसे पहले सांस को अंदर खींच के रखना है और माउथपीस को लगा के अटैच करके हमने एक्सहेल करना है जोर से। फर्स्टली हम एक्सहेल करेंगे और फिर दोबारा इनहेल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे हमारा ये टेस्ट होगा यहाँ से स्टॉप करेंगे और यहाँ हम रीडिंग देखेंगे उसकी कि क्या रीडिंग आ रही है। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो एज, हाइट, वेट से बनता है। उसके बाद में ये प्री वैल्यू आई है, ये परसेंटेज शो करेगा कितने परसेंट आपके जो है लंग्स काम कर रहे हैं। अब दूसरा, इसमें आप वेवफॉर्म देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर नहीं हुआ, तो आप इसको स्टार्ट पे जाके दोबारा भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे जाके दोबारा करोगे तो ये पूछेगा कि अगर आपका जो मैन्यूवर है कंप्लीट है तो आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हो। तो अगर आप ये नो करते हो तो ये ओवरराइट नहीं होगा, ये भी रहेगा और दूसरा भी आ जाएगा। तो हम नो करते हैं और एक टेस्ट हम दोबारा करते हैं, यही रिपीट। अब हमने इसको स्टॉप किया तो अब हमारे पास M1 और M2 दो मैन्यूवर आ गए हैं। तो हम दोनों की रीडिंग्स हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी ये M2 की रीडिंग्स है 77% और अगर हम M1 की देखते हैं तो ये 69%। तो हम, अगर M2 हमें परफेक्ट लग रहा है तो हम इसको जो है सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये सेव सक्सेसफुली हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पोस्ट मेडिएशन टेस्ट की, जो क्या होता है कि प्री और पोस्ट एक तरफ से आफ्टर मेडिएशन देने के बाद में है जो डॉक्टर देखते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये इसमें क्या होता है, जो परी आपने किया था वो ब्लू कलर में आया है और जो आपने पोस्ट किया वो रेड कलर में आया है, ठीक है। तो आप पूरी दोनों की रीडिंग्स एक साथ देख सकते हैं इसमें। और जो हम जो देखते हैं वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि हमारा मेडिसिन लेने के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें शो कर रहा है कि +2 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट। देन हम सेव द टेस्ट, ओके।
जैसे कि आपने देखा हमारा जो है एबीसी जो है हमारा प्री और पोस्ट दोनों मोड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम सेकंड टेस्ट पे आ जाते हैं एसवीसी पे, स्लो वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर हमें जो है आपको एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, बट स्लो स्लो मोशन में हमने करना है इसको। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्टार्ट पे क्लिक किया, वही हमने प्री, हमने सबसे पहले प्री को ओके करना है। ठीक है, बस इसमें हमें इसमें यह दिखाना होता है कि हम पहले स्लो में करेंगे और फिर एक टाइम में हम फास्टली इसको फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या रीडिंग सब दिया, जैसे ही हमारा ये टेस्ट हुआ हमने इसको क्या किया, सेव कर दिया है यहाँ से। और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज पोस्ट भी कर सकते हैं मेडिसिन लेने के बाद में, इनहेलर वगैरह के बाद। ठीक है, तो ये हमारा जो है एसवीसी टेस्ट भी हो गया है। अब हम आते हैं एमवीवी पे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वॉलेंट्री वेंटिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई हाँफ रहा है पेशेंट या बाहर से आया है, भाग के आया, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो उसमें हम करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमें फोर्सफुली, जैसे हमें तेजी से सांस लेना और एक्सहेल करना होता है और लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो हम इसमें कंटिन्यू हम करेंगे, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने प्रे पे ओके किया। ये ऐसे हम करते जाएंगे और उसके बाद में हमने स्टॉप किया तो हमारा ये टेस्ट हो गया। हम रीडिंग्स भी देख सकते हैं इसमें, हमारा जो है परसेंटेज कितना आ रहा है, ये जैसे 100% दिखा रहा है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे फेफड़े कैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, हमें परफेक्ट लग रहा है टेस्ट ये। ठीक है, उसके बाद में अगर आप पोस्ट करना चाहें तो वही सेम प्रोसेस, मेडिसिन लीजिए और आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जैसे टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जिसमें एक कैल का ऑप्शन है, कैलिप, ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए होता है, अभी आपका मशीन जो है उस पर इसे कंप्यूटर से कनेक्ट है या नहीं है उसके लिए है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम ऊपर आ जाते हैं और बाकी फंक्शंस पे, जैसे लोड पेशेंट, तो ये क्या होता है कि हमारा पुराना डाटा देखने के लिए होता है कि हम किसी भी पेशेंट को सिलेक्ट करके हम उनका लोड डाटा देख सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया ये अपना हर्ष के नाम से, और हमने इसको यहाँ से टेस्ट आ गया T1, तो हमने इस पर डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये टेस्ट हमारा खुल चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमें अगर उनका जो है प्रिंट निकालना है, या सपोज हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो हम PDF फाइल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले प्रिंट पे क्लिक करेंगे और FVC टेस्ट, अगर हमारा ओनली FVC टेस्ट है तो FVC को सिलेक्ट कर लेंगे, या SVC या जो भी टेस्ट है, या कंबाइंड रिपोर्ट आप चाहते हैं कि सारे टेस्ट एक साथ देखना, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ से प्रिंटर अगर हमारा कनेक्ट नहीं है तो हम प्रिंट की कमांड की बजाय मेक PDF कर देंगे। तो ये हम जैसे डेस्कटॉप में हम सेव कर सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और इसको हम डाटा को सेव कर देंगे। अगर आपको कोई फाइल नाम नेम से करना है तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल कर सकते हो, इसको क्लोज करके आप मिनिमाइज करके आप देख सकते हो कि आपने डाटा सेव किया था। ये हमारा डेस्कटॉप पे आ चुका है, तो ये आपका पूरा जैसे हॉस्पिटल नेम वगैरह जो भी आप एंटर करेंगे वो आ जाएगा, पेशेंट डिटेल्स आ जाएगी, ये टेस्ट आ जाएगा आपका। सपोज अभी ओनली इसमें FVC टेस्ट हुआ है तो आपका ओनली FVC शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप जो है इसका इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, मिक्स, डिस्ट्रक्टिव, पूरा कंप्लीट दिखाएगा। ठीक है, और आप यहाँ डॉक्टर नेम जो भी होगा वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये इसकी रीडिंग रिजल्ट्स हैं सारा, तो ये भी एक मतलब आप कर सकते हो, PDF से भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। बाकी इसमें सेटिंग्स है, सेटिंग में जाके आप कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। प्रिंटिंग में आप हॉस्पिटल, क्लिनिक नेम, डॉक्टर नेम पूरा वो कर सकते हैं, इसमें चेंज करके आप सेव सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में ये दो तीन ऑप्शंस दिए हैं, जैसे अबाउट्स का सॉफ्टवेयर, अगर आपको देखना है क्लैरिटी का कि कौन सा वर्जन है ये,